नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और आज इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? अगर आपने इस वीडियो को स्किप किया तो आज अपने करियर को स्किप करेंगे, क्योंकि इस सिंगल वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो प्रारंभिक जो स्टेप्स होते हैं बिना किताब को छुए हुए, बिना किताब को छुए हुए और बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। ये आपकी तैयारी को एक सुदृढ़ दिशा में, एक महत्वपूर्ण दिशा में ले जाने के लिए, उसके बारे में मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। आप सबसे पहले तो आपने डिसाइड क्या किया, आपको देखिए कुछ चीजें बताऊंगा, कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आप सुनने के बाद आपको लगेगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण था ये जानना। अभी तक तो हम अंधेरे में घूम रहे थे, अभी तक हम अंधेरे में घूम रहे थे, अभी तो उजाला मिला है, अभी तो प्रकाश मिला है, अभी तो ये मार्गदर्शन मिला है कि अभी हम थे कहां, इतना सारा पढ़ लिया, परीक्षा सर पे है, अभी हमने इसी चीज को नहीं जाना था। तो चलिए मैं आपको बताता हूं बिना समय व्यर्थ किए हुए, बिना समय गंवाए हुए। वीडियो पूरा देखना और अंत अंत तक मैं आपको जो है महत्वपूर्ण जानकारी देते रहूंगा। इससे पहले अगर वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो लाइक जरूर करना ताकि मुझे पता चले कितनों लोगों को जो है इससे फायदा हुआ, कितने लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद अच्छा मार्गदर्शन मिला। एग्जाम्पल सहित, उदाहरण सहित समझाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग हैं, बहुत सारे लोगों को छोड़ दो, स्टूडेंट्स को लेकर चलो, बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स हैं, सभी स्टूडेंट्स के अलग अलग सपने हैं। कोई एनडीए करना चाहता है, कोई बिहार पुलिस करना चाहता है, कोई एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता है, कोई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, कोई पुलिस सेवा यूपीएससी वगैरह, मान लीजिए मैं तो नहीं करता, मेरे बस की बात नहीं है, कोई स्टेट पीसीएस करना चाहता है, वो मैं करता हूं। अब हर तरह के एग्जामिनेशन, कोई एसएससी करना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, जितने लोग उतने सपने, और उतने सपनों को साकार करने के लिए उतने प्रयास और उतनी ही अधिक मेहनत की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन कुछ भी करने से पहले मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। आज का दिन मान लीजिए कि आज जो है मंगलवार है, मान लीजिए क्या मंगलवार है, आज मंगलवार के दिन और दिनांक है 15 तारीख, 15 जून। 15 जून को आज शाम को आपको लड़ाई पे जाना है, आज शाम को आपको लड़ाई पे जाना है। अब लड़ाई पे जाने से पहले आप क्या करेंगे, क्या कोई रणनीति बनाएंगे? जो एक सक्सेसफुल सेना, जैसे रशियन सेना है या फिर अमेरिकन सेना है, भारतीय सेना भी कुछ अच्छे विंग्स तैयारी करते हैं, रणनीति तैयार करते हैं। दो तरह की रणनीति होती है उसमें, एक तो हमारी मजबूती क्या है, हमारा प्लस पॉइंट क्या है, दूसरी चीज अगले का निगेटिव पॉइंट क्या है। अगर ये दो चीज दोस्त पता चल गई तो आपके लिए लड़ाई जीतना बहुत ही आसान हो जाता है, अपना प्लस पॉइंट, अगले का निगेटिव पॉइंट। उसी प्रकार आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके पहले थोड़ा सा प्रिपरेशन कीजिए। प्रिपरेशन, वो प्रिपरेशन नहीं जो आप किताब से पढ़ेंगे, वो प्रिपरेशन नहीं जो आप बुक में उसके मटेरियल्स को पढ़ेंगे, वो प्रिपरेशन नहीं, आपको पहले उसको समझना है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको, मान लीजिए कि आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हो। चूंकि मैं रेलवे में हूं तो रेलवे के का ही एग्जाम्पल ले लेता हूं, आप लोग एसएससी का एग्जाम्पल ले लेना। रेलवे की तैयारी कर रहे हो, अब सोच रहे हो कि तैयारी कहां से शुरू की जाए। बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे वीडियो जो आते हैं रेलवे के परीक्षा संबंधित, सबके कमेंट बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस बहुत ही कॉमन होते हैं लोगों के, कौन सी बुक पढ़ें, कितनी तैयारी करें, कितना घंटा पढ़े, तो प्रीवियस ईयर्स के बुक कैसे काम में आएंगे, तो क्या क्या होता है, कितने क्वेश्चन होते हैं, निगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो सब जानने से पहले आपको उसको फ्रेम करना होगा, एग्जाम को फ्रेम करना होगा। जैसे आप अगर रेलवे की परीक्षा देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप किस चीज की तैयारी करना चाहते हैं,
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कि आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हैं, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, वो एनटीपीसी नहीं, ये एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, इसमें जितने भी नॉन टेक्निकल पोस्ट होते हैं उसके लिए एग्जाम लिए जाते हैं। अब इस एनटीपीसी में आरआरबी एग्जाम लेती है। अब आरआरबी को आपको फ्रेम करना है, सबसे पहले उस सबसे पहला जो काम करना है, देखिए वीडियो देखने में आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सबसे पहली चीज आपको जाना है उसके वेबसाइट पे, वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट पे जाने के बाद कोई भी एग्जाम दो, एसएससी की तरह वेबसाइट पे जाना है, नोटिफिकेशन में जाना है, कोई भी नोटिफिकेशन, पिछले साल की नोटिफिकेशन हो, कोई भी नोटिफिकेशन, उसमें आपको या गूगल कर लीजिए आप, उसमें आपको सिलेबस को डाउनलोड करना है। सिलेबस को डाउनलोड कर लिया आपने, सिलेबस को डाउनलोड करने के बाद या तो आप सिलेबस को लिख ले या प्रिंट आउट निकलवा ले, पिनअप कर ले तीन चार पेज में। अब आप कहिएगा सिलेबस में तो सब कुछ रहता है, कितना पढ़े भाई, समय कम है, कितना पढ़े। सिलेबस लिया आपने, पिनअप कर लिया, अब सिलेबस को रख लीजिए। आपकी जो है तैयारी का पहला स्टेप यहीं से शुरू होता है। दूसरा स्टेप आपको क्या करना है कि पिछले पांच साल के देखिए स्मार्ट वर्क कीजिएगा, पिछले पांच साल के जो क्वेश्चन पेपर है उसको डाउनलोड कर लीजिए, उसको पिनअप कर लीजिए, उसको रख लीजिए। रखने के बाद अब आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। एक तरफ सिलेबस है, एक तरफ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आप दोनों को कैलिब्रेट कीजिए, मिलाइए कि कौन से चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल कितनी बार आए हैं। एक ही दिन का समय लगेगा आपको प्रिंट आउट निकालने के बाद, एक दिन उसके लिए स्किप केवल समय दीजिए। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, आपने सिलेबस देखा, आपको एग्जैक्टली आप एक अच्छे मार्गदर्शक बन जाइएगा, आपको पता चल जाएगा, आप लोगों को बताइएगा कितने क्वेश्चन आते हैं, रेशियो क्या होता है जनरल नॉलेज, जनरल साइंस और मैथ्स का या रीजनिंग का, इन चारों सब्जेक्ट का क्या रेशियो होता है आरआरबी में। आरआरबी का एग्जाम्पल दिया, कोई भी एग्जाम हो आपको ये दो काम करने ही करने हैं। पहला गो थ्रू सिलेबस, सिलेबस से बाहर कुछ भी नहीं आता है दोस्त, गो थ्रू सिलेबस। दूसरा आपको क्या करना है, सिलेबस को पूरी तरह से देखने के बाद पांच साल, पिछले पांच साल के क्वेश्चंस का प्रिंट आउट निकालना है, उसको देखना है। तीसरा स्टेप करना है कि सिलेबस को साइड करना है, पांच साल के जो क्वेश्चन है उसको बना के देखना है। हो सकता है कि आपको 100 में 30 नंबर आए, किसी में 32 आए, किसी में 65 आ जाए, किसी में 75 आ जाए। इससे आपको पता चलेगा कि मेरा लेवल क्या है और मुझे कितनी देर तैयारी करनी है, कितनी देर रोजाना पढ़ना पड़ेगा, कौन सा सब्जेक्ट मेरा कमजोर है और किस पे हमें ज्यादा समय देना है, किस पे हमें कम समय देना है कि नहीं। तो तीन स्टेप बड़े ही इंपॉर्टेंट स्टेप। इससे पहले से आपको सिलेबस पता चल गया, दिमाग में बस गया क्या क्या कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं। दूसरी चीज जो है आपको पता चल गई कि क्वेश्चन जो आए हैं वो कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं। तीसरी चीज आपको अपने बारे में पता चल गया कि मेरी हैसियत क्या है, मुझे कितना याद है, मेरा कमजोर पक्ष क्या है। अब ये तीनों पे आपको काम करना है, आधी तैयारी तो आपकी यही खत्म हो जाती है। अब आपको केवल मटेरियल जुटाना है और पढ़ना है। अब किसी सलाह लेने की जरूरत नहीं है दोस्त, 50 तरह के YouTube चैनल पे YouTube वीडियोस, 100 तरह के YouTube वीडियोस देखने की जरूरी नहीं है। इसके लिए अपने मार्गदर्शन दर्शक खुद बनिए। तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कोई भी एग्जाम की तैयारी के लिए, और जो सबसे कमजोर पक्ष हो उसको आप ज्यादा समय दे। अगला वीडियो में लाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको समय प्रबंधन कैसे करना है। आपको होता होगा ना समस्या, कितना देर पढ़ें, कितना देर नहीं पढ़ें, एक दिन एक घंटा पढ़ते हैं, एक दिन चार घंटा पढ़ते हैं, एक दिन कुछ नहीं पढ़ते हैं। तो एक परफेक्ट वीडियो में लाऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। पहले आप तीन चीजें करके देखिए, एग्जाम की तैयारी करने से पहले एक थोड़ा समय दीजिए, दो घंटा एक दिन, और एक बेसिक तैयारी के से अच्छा प्लान आपका रहेगा तो अच्छी तैयारी होगी, नहीं तो बेटा जिंदगी भर भाई पढ़ते रह जाओगे। भाई दोस्त जो भी हैं आप, मित्र, आप जिंदगी भर पढ़ते रह जाएंगे और एग्जाम नहीं निकलेगा। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे गांव में, मेरे दोस्त सर्किल में, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने, जो बहुत तेज थे पढ़ने में, बहुत समय भी देते थे, लेकिन एग्जाम में जो पढ़ते थे वो क्वेश्चन नहीं आते थे। कहां से आएंगे भाई, आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हैं आप, और कहां से आएंगे, जो आपको पसंद है वही आप ज्यादा बना रहे हैं, जहां कमजोरी है उस पर तो काम ही नहीं कर रहे आप। तो ऐसा आप लोग कीजिए, बहुत मजा आएगा और एग्जाम की परफेक्ट तैयारी होगी। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।